हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये जो वीडियो है वो हम आपका डे 16 का लेकर के आए हैं। ये मिशन बुनियाद हमारा गणित कक्षा 6 से 8 तक का वीडियो है। ठीक है, देखिए ये जो आपका डे 16 है ये बहुत अच्छा है। और दूसरा क्या है कि इस चैप्टर में आपको जो है वो रेलगाड़ी से संबंधित जानकारी मिलेगी और इसमें उसी पर आधारित आपको चैप्टर्स भी करने। जैसे क्या है कि हम लोग जब कहीं भी जाते हैं तो ट्रेन से जाते हैं तो हमें वहाँ एक आपने देखा भी होगा चार्ट लगा होता है ना, बहुत बड़ा सा चार्ट होता है। उसमें टाइमिंग दी रहती है कि ये एक्सप्रेस इतने बजे आएगी, मान लिया नई दिल्ली है या आपका मुंबई एक्सप्रेस है, जो भी हैं ट्रेन उनका टाइम दिया रहता है, कितने किलोमीटर है, जिस स्टेशन पे हैं आपका वहाँ से वो स्टेशन कितनी दूरी है, सारी चीज़ें वहाँ पे दी होती हैं। इस चैप्टर में भी वही सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे आपके सामने जो दी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है समय सारणी। ठीक है, रेलगाड़ी संख्या है इतनी, एक रेलगाड़ी की संख्या भी होती है, रेलगाड़ी का नाम है मुंबई राजधानी एक्सप्रेस है। अब इसमें जो है यहाँ पे कुछ स्टेशन्स के नाम दिए हुए हैं, दूसरे में आने का समय दिया गया, तीसरे में जाने का समय और फिर दूरी और फिर दूर। इसी सारणी के अनुसार ही आपको मतलब अकॉर्डिंग दिस सॉल्व दिस क्वेश्चंस है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको ये सारणी देखनी है और ये वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसे इसमें पहला है कि रतलाम जंक्शन से सूरत की दूरी कितने किलोमीटर है, यानी रतलाम जंक्शन जो है आपका थर्ड नंबर पे है और इसकी सूरत पे जैसे आती कितने बजे है, 4:58 पे है ना, और 5:03 पे वहाँ से चल देती है, यानी 5 o'clock में ओनली 2 मिनट लेफ्ट हैं। तो यहाँ पर भी आपका तो कितने मिनट रुकती है, केवल 5 मिनट है ना, तो कितने मिनट रुकती है, 5 मिनट। अब नेक्स्ट देखते हैं कोटा से सूरत पहुँचने में कुल कितना समय लगता है, यानी कोटा आपका है सेकेंड नंबर पे और सूरत है आपका 5 नंबर पे। अब यहाँ पे हम टाइम देखेंगे, कोटा से ट्रेन चलती है आपकी 20:55 पे, यानी 20:55 का मतलब ये हुआ ना कि 12 बजने के बाद में है ना, 12 बजने के बाद में 12:08 यानी 9 o'clock। ठीक है, 9 o'clock में 5 मिनट लेफ्ट हैं और सूरत पहुंचती है 4:58 पे, तो ये सुबह कितने बजे पहुंचेगी, सुबह पहुंचेगी ना 9 से 4, तो कितना टाइम लगेगा इसको, कम से कम जो इससे टाइम लगेंगे, यानी 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी कम से कम 6 से 7 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, 7 या 6 hours। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज और मे भी मुझे लग रहा है कि एक्सरसाइज करने में आपको बहुत अच्छा लगा होगा।